नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित हिसार छावनी के सामने बनी कैंट मार्केट में बीती रात बदमाशों ने 5 राउंड हवाई फायर कर मदर डिपार्टमेंटल स्टोर के संचालक शिव कुमार मित्तल से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने वापस पैदल जाते समय 5वां हवाई फायर किया और कैंट मार्केट के अंदर की ओर भाग गए। दुकानदार ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद डीएसपी नरेंद्र कुमार, सदर थाना एसएचओ मनोज कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। सदर थाना पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शनिवार को इस घटना के विरोध में मार्केट बंद रही। दुकानदारों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उसके बाद रोड जाम करने की चेतावनी दी है। सर वो आए वो हमारे पास में, मैं और मेरा भतीजा थे दुकान पे, हम दोनों बैठते हैं यहाँ पे, तो आते बोले भाई तेरे से बात करनी है बाहर, अभी यही बात कर ले भैया, क्या बात करनी है? तो बोले नहीं अगर बाहर बात करनी है आपसे, बोला आप यही बता दो भैया क्या बात करनी है आपने, बोला पैसे चाहिए, बोला किस बात के पैसे, बोला नहीं 2 करोड़ रुपये चाहिए भाई हमारे को, तो बोला हम 2 करोड़ रुपये कैसे दें भाई तेरे को, तो बोला तू ऐसे नहीं मानेगा, उसने पिस्तौल छुपा रखी थी, उसने बोला तू ऐसे मानेगा क्या, तो पिस्तौल निकाल के उसने वो मैं बोला इसको अंदर रख ले भैया, वो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों में, बोला तेरे कैमरे तो पहले मैं करता हूँ, उसने पहले कैमरे फोटो मारी मारी जी गोली और फिर मेरे सामने तान दिया, मेरे भतीजे के पास में तान दिया, बाल बाल बच गए, बाल बाल और बाल बाल बच गए हम, तो उसने 4 यानी फायर करे हैं जी वहाँ पे दुकान पे, वो सब सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं और सब उनको इंक्वायरी भी होगी और जो अपने 3 राउंड बार भी किया है, 1-2 राउंड इन्होंने बार भी किए हैं। आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कार्रवाई चाहते हैं जी, गुंडागर्दी सरासर गुंडागर्दी है, तो पकड़े जाए वो जल्द से जल्द बिल्कुल, अभी तक तो जब तक ये नहीं मार्केट वालों ने ये फैसला किया है, 1000 दुकान है जी हाँ हमारी मार्केट में, सब दुकानदार बंद है, टोटल दुकानदार यही कह रहे हैं सभी कि जब तक ये समाधान नहीं होता तो हम दुकान नहीं खोलेंगे। और ताराचंद हूँ और हमारे मार्केट के साथ जो हमारे मित्तल जी की दुकान पे, शिव कुमार मित्तल जी और चंद्रभान जी की दुकान पे जो कल गोलियां चलाई गई हैं, ये जघन्य अपराध, सीसीटीवी कैमरे देने के बाद प्रशासन हमें सिर्फ ये आश्वासन दे रहा है कि हम पकड़ लेंगे, कोई टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए हम मीडिया के माध्यम से 24 घंटे का टाइम प्रशासन को दे रहे हैं। हमारे पास SP साहब नहीं आए, ना कोई विधायक आया, जिनको हम वोट दे के बनाते हैं वो घर बैठे हैं, और SP साहब जो हमारे हमारे लिए हमारी मारित उससे बने हुए हैं, उनको चाहिए कि हमारे आके समाधान करें तुरंत, नहीं तो हम सड़क जाम करेंगे और रोड जाम करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर ये समाधान नहीं हुआ, सभी दुकानदार दुकानें बंद करके, 1000 दुकानदार हैं, सभी ने मार्केट बंद करके रखी हुई है और बंद रहेगी जब तक हमारा समाधान नहीं होता। 24 घंटे बाद कल सुबह हम सड़क जाम रोड जाम करेंगे, जिसका जिम्मेवार प्रशासन खुद होगा।